एक्सरसाइज स्क्वेटिंग के बारे में। स्क्वेटिंग घुटने की बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है जिसको आमतौर से लोग में परफॉर्म करते हैं, सेल्फ भी इसको इनिशिएट कर देते हैं कभी कभी, लेकिन अक्सर हमने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो लोग गलत कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जहाँ पे लोड आना चाहिए वो लोड नहीं आ रहा होता है, घुटने पे प्रेशर ना पड़ते हुए वो अपने लंबर को, अपने थोरेसिक को, माने अपनी पूरी स्पाइन को ही हर्ट कर रहे होते हैं, और जिससे कि इस एक्सरसाइज के चलते उनकी कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पेल्विस का दर्द बढ़ जाता है किसी भी दर्द को कम करने के बजाय। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में काफी सारी गलतियां हो जाती हैं, और अगर हम पर्टिकुलर फोर्स ना डेवलप कर पाए तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। तो इसकी कुछ गलतियां और किस तरीके से प्रॉपर पोजिशन में ये एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करना चाहिए हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलकर आप ये देखिए कि इस एक्सरसाइज को किस तरीके से हमें प्रॉपर करना चाहिए सो दैट हम प्रॉपर आउटपुट एक्सरसाइज से निकाल पाए। थैंक यू। ये आपकी गलत एक्सरसाइज है क्योंकि जब आप इसको नीचे लेकर जाते हैं तो आपका घुटना ऑलमोस्ट पंजे से बाहर जा रहा है, और इसमें आपकी कमर की मूवमेंट और घुटने की मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं है। चले दोबारा करिए, हाथ सामने रखिए, चलिए एक फिर से दो करिए, शाबाश, वन एक और दो एक और तीन रुकिए। चलिए धीरे धीरे नीचे जाइए, घुटने आपके पंजे के बराबर होने चाहिए या पीछे ही रहने चाहिए, बहुत अच्छे। एक बार और, सिर्फ घुटने पे मूवमेंट होगी और पेल्विस पे कूल्हे की मूवमेंट होगी। दो एक और, रोकिएगा, ऐसे ही रहिएगा, थोड़ा सा और झुकने की कोशिश करिए, वेरी गुड, ऊपर आइए, चलिए चलिए फिर से आइए, रोक के रखिए, रिलैक्स।